नमस्कार, जी हिंदुस्तान में स्वागत है आप सभी का और आपके साथ मैं हूं आदर्श दीक्षित। टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड का 3-0 से सफाया करने के बाद अब भारत की नजरें आगामी टेस्ट सीरीज पर है। कानपुर में 25 नवंबर से शुरू हो रहे पहले टेस्ट में रहाणे द्रविड़ की जोड़ी नजर आने वाली है। टी20 सीरीज में भारतीय क्रिकेट ने रोहित द्रविड़ के रूप में कोच कप्तान की नई जोड़ी देखी, जिसने भारतीय क्रिकेट के नए युग की शानदार शुरुआत की। अब कानपुर टेस्ट में भारतीय टीम अजिंक्य रहाणे राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में मैदान पर उतरेगी। बड़ी बात यह है कि कानपुर टेस्ट में रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कोई नजर नहीं आएगा। साथ ही टीम इंडिया के हेड कोच के रूप में ये राहुल द्रविड़ का पहला टेस्ट होगा। टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी कोई भी टीम किसी भी टेस्ट मैच को हल्के में नहीं ले सकती। अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में राहुल द्रविड़ ने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 95 और 84 रनों की धमाकेदार पारियां खेलकर यादगार डेब्यू किया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ कोचिंग करियर का भी आगाज उन्होंने ठीक उसी अंदाज में किया। अब टेस्ट कोच के रूप में राहुल द्रविड़ पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि उनके सामने भारत को टेस्ट चैंपियन बनाने की भी चुनौती है। अगर हम टेस्ट क्रिकेट में दोनों टीमों के ओवरऑल आंकड़ों की बात करें तो उसमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 61 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिनमें से भारत ने ज्यादातर बार कीवी टीम को धूल चटाई है। भारत ने 21 बार टेस्ट मैच जीता, जबकि न्यूजीलैंड को केवल 13 मैच में ही जीत नसीब हुई। 26 टेस्ट मैच ड्रॉ पर खत्म हुए और एक मैच रद्द करना पड़ा था। अगर ओवरऑल टेस्ट सीरीज की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 24 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, जिनमें 13 भारत ने और 8 न्यूजीलैंड ने जीती है। 3 टेस्ट सीरीज ड्रॉ रही, जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। अजिंक्य रहाणे ने अपनी कप्तानी से सभी को प्रभावित किया है। उन्होंने अब तक 5 टेस्ट मैचों में कप्तानी की है, इसमें उन्हें 4 में जीत मिली और 1 टेस्ट ड्रॉ पर खत्म हुआ। रहाणे ने इसी साल भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की धरती पर जीत दिलाई थी। दूसरी तरफ कीवी टीम जब जब भारत में टेस्ट खेलती है तब तब उसकी हालत खराब ही रहती है। भारत की सरजमी पर कीवी टीम कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है। पिछली बार जब 2016 में कीवी टीम भारत खेलने आई थी तब उन्हें 3-0 से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। भारत की सरजमी पर न्यूजीलैंड ने कुल 34 टेस्ट खेले हैं, जिसमें उसे केवल 2 बार ही जीत नसीब हुई है, जबकि 16 बार न्यूजीलैंड को भारत के हाथों मात झेलनी पड़ी है। हालांकि आंकड़े चाहे जो कहानी बयां करते हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यूजीलैंड ने पिछले 2 सालों में टेस्ट क्रिकेट में कमाल का खेल दिखाया है। न्यूजीलैंड की टीम वर्तमान में टेस्ट चैंपियन भी है और टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर भी है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के दूसरे सीजन का आगाज न्यूजीलैंड को भारत के ही खिलाफ कानपुर में करना है। टीम इंडिया को भारत में चुनौती दे पाना किसी भी विदेशी टीम के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में केन विलियमसन की अगुवाई वाली कीवी टीम की हिंदुस्तान की सरजमी पर कड़ी परीक्षा होगी। पहले टेस्ट में विराट कोहली और रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की बैटिंग पर भी सभी की निगाहें रहेंगी। रहाणे ने टेस्ट कप्तान के रूप में अब तक सभी को प्रभावित किया है, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। रहाणे बीते 8 महीनों से खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। भारत की धरती पर तो वे और भी फ्लॉप रहते हैं। इस साल इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ अजिंक्य रहाणे के पास खुद को साबित करने का ये आखिरी मौका है, क्योंकि उन्हें रिप्लेस करने के लिए हनुमा विहारी, मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर और सूर्य कुमार यादव जैसे कई तेज तर्रार खिलाड़ी तैयार बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल द्रविड़ के कोच बनने के बाद रहाणे अपनी बल्लेबाजी में कैसे सुधार करेंगे और विराट कोहली की गैर मौजूदगी में उनकी कप्तानी में भारत सीरीज का कैसा आगाज करेगा। हमारी इस पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी हिंदुस्तान।